आ रहा है, अभी नहीं करना, कर दिया ना। देखिए चलो, हाउ टू हैक द यूजर पासवर्ड ऑफ विंडोज 7 विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। मतलब हम किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में पासवर्ड लगा के भूल गए तो उसको हम बिना सॉफ्टवेयर के द्वारा कैसे उसको तोड़ेंगे, क्योंकि अगर वो पासवर्ड अगर तोड़ते हैं तो 10 मिनट में हम तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इसका एक ही दूसरा सोल्यूशन होता है, क्योंकि उस कंप्यूटर को अगर हम फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट करके पूरी ड्राइव को डालने में 2 घंटे लग सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अगर देख सकते हैं तो किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप का पासवर्ड क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई कंप्यूटर है या कहीं लैपटॉप आप बनाने के लिए गए, वहां पासवर्ड आपको पता नहीं है, कोई भी पासवर्ड डाल रहा है, देखिए एरर आ रहा है, पासवर्ड आप भूल चुके हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आप क्या करिए, पासवर्ड को तोड़िए या हैक करिए, उसी को हम कहते हैं रीसेट मारिए। नहीं तो आपको इसमें क्या करना होगा, पूरा फॉर्मेट करना होगा, विंडोज 7 डालना होगा, तो 2 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग इसमें ये देखेंगे कि ये पासवर्ड अगर हम भूल गए तो रीसेट कैसे मारेंगे। चालू नहीं किया हो, सबसे पहले हम कंप्यूटर क्या करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद जैसे ही स्टार्टिंग विंडोज आएगा तुरंत हम पावर बटन को क्या कर देंगे, शट दबा देंगे, जिसको हम कहते हैं हार्ड पावर स्विच। मतलब उस पावर स्विच को डायरेक्ट बंद करना, स्टार्टिंग विंडोज आएगी शट डाउन कर देंगे, या शट डाउन नहीं करना है तो डायरेक्ट हम पावर स्विच को दबा सकते हैं। फिर दोबारा हम पावर स्विच होता है, पावर स्विच को दबाएंगे, ये तब तक प्रक्रिया करेंगे जब तक यहाँ पे स्टार्ट रिपेयर का ऑप्शन आए। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आना चाहिए, लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर रिकमेंडेड, इस पे क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद कम से कम हमको 10 मिनट तक वेट करना होगा, कितना मिनट तक, 10 मिनट तक वेट। देखिए अब ये जब ऑप्शन आएगा फिर कैंसिल पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद फिर आप वेट करते रहेंगे, तब तक वेट करते रहेंगे 5 मिनट तक, 5 से 10 मिनट। 10 मिनट वेट करने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा तो हमको क्लिक करना होगा व्यू प्रॉब्लम डिटेल्स, इसके सबसे नीचे हम जाएंगे, एक ऑप्शन आएगा .txt नाम से, इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे एक नोटपैड खुल जाएगा, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद यहाँ देखिए ओपन करेंगे और जी ड्राइव में OS पड़ा हुआ है, रूट ड्राइव बोलते हैं, तो रूट ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे, तो इस रूट ड्राइव उससे कहते हैं जिसमें इसमें विंडोज फाइल सिलेक्ट करेंगे, कौन फाइल, विंडोज। फिर इसके अंदर हम सिस्टम 32 खोलेंगे, YYS टू सेलेक्ट करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, अब इसके अंदर ये देखिए ऑप्शन आ रहा है, इसमें आल कर देंगे, क्या करेंगे, आल फाइल सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम CMD खोजेंगे, फाइंड करेंगे CMD, यहाँ पे CMD फाइल आएगी, कौन फाइल आएगी, CMD। इस CMD को और आगे CMD को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। देखिए कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करना है, कॉपी कर देंगे, इसी में हम क्या कर देंगे, पेस्ट। देखिए पेस्ट हो गया, CHC सेक फाइल को खोलेंगे, इसमें एक फाइल होती है SETSC सेक, इस फाइल को खोलने के बाद राइट क्लिक करेंगे और इसे रीनेम करेंगे, क्या करेंगे, रीनेम करने के बाद इस फाइल का नाम SEC.1 कर देंगे, इस फाइल का नाम क्या कर देंगे, SEC.1। CMD कॉपी किया था, फिर CMD को हम खोलेंगे, जो CMD कॉपी होगा इसको राइट क्लिक करेंगे, मतलब पहले CMD को हमने सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, रीनेम करेंगे, तो रीनेम करने के बाद फिर इस फाइल का नाम हम क्या दे देंगे, SETHC सेक। हम फिर कैंसिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, सब ऑप्शन को बंद कर देंगे,
एस कर देंगे, हमारा सिस्टम नॉर्मल। टॉर्च खुलने के बाद यहाँ पे 5 बार शिफ्ट दबाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये ऑप्शन आएगा। यहाँ कमांड लिखेंगे NET नेट स्पेस यूजर स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ देखिए कोई जरूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर ही लिखे, यहाँ पे कंप्यूटर में जो यूजर बना हुआ है, जो नाम हो, जैसे आपने कंप्यूटर खोलते समय अपना नाम राजू दिए थे, यहाँ राजू देंगे, फिर स्टार लगाकर इंटर मार देंगे। यहाँ पूछेगा टाइप द पासवर्ड, हम कोई भी पासवर्ड डाल देंगे, कोई पासवर्ड डाल देंगे, सक्सेसफुल पासवर्ड आ जाएगा। हमने यहाँ पे डाल दिया वाई, फिर अब यहाँ पे हम वही पासवर्ड डाल देंगे, मेरा सिस्टम पासवर्ड टूट गया। देखिए ये वीडियो में आप लोगों को बस ये बताया गया है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं उसको कैसे तोड़ेंगे, इसका कहीं भी अनयूज नहीं करेंगे आप लोग, केवल इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि आपका पर्सनल कंप्यूटर का पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तब इस वीडियो का यूज करेंगे, बाकी किसी अन्य पर्सन का कंप्यूटर को ऐसा हैक करना कानूनी जुर्म है।